एग्जाम वॉरियर्स, मैं दीपा वर्मा अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की आपकी इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों, हम अपने फिजिक्स के चैप्टर्स में आ चुके हैं और पिछले लेक्चर में हमने अपने क्या है अध्याय 13 परावर्तन एवं अपवर्तन गोली सतह से शुरू कर चुके हैं ना। उसके पहले हमने समतल सतह से देखा है और उसका एक पार्ट बच्चा जिसको क्या है मैं ये जब परावर्तन समतल सतह गोली सतह दोनों से करा दूंगी तब हम क्या है उसके जो सेकंड पार्ट है उसमें जाएंगे, है ना। क्योंकि पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है, जब ये समझेंगे तब आप क्या है उन प्रश्नों को दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं दोनों चैप्टर अध्याय 10 और अध्याय 13 को दोनों को मिलाकर चल रही हूँ, ठीक है। ये क्या है हमारा इकाई है जिसमें दोनों से क्या है क्वेश्चन आने वाले, ठीक। चलो हमारा चैप्टर क्या है भैया, अध्याय 13 परावर्तन अपवर्तन गोली सतह से, ठीक है। तो ये क्या है हमने समतल सतह से आधी चीजें कर चुकी है और गोली सतह से, है ना। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसका हम क्या है पार्ट 2 पे तब जाएंगे, ठीक है। पहले क्या कुछ चीजें हम यहाँ से दर्पण क्या गोली सतह से लेंसों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वापस क्या समतल सतह के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उसको करेंगे और एमसीक्यूज दोनों चैप्टर का साथ में करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं अध्याय 13 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन गोली सतह से, ठीक है। चलो भाई, गोली दर्पण हमने कल देखा था क्या होता है भाई। गोली दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है, है ना। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर हो सकता है, जैसे ये अंदर की ओर से होगा, ये बाहर की ओर से होगा, है ना। तो इसी में कितने प्रकार थे, दो प्रकार थे। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो, बाहर को पॉलिश कर दिया तो ये क्या होगा अंदर की ओर से होगा, ठीक है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, ये क्या था हमारा उत्तल दर्पण था, है ना। ये क्या था अवतल और उत्तल, इसमें क्या अंदर की ओर है और इसमें क्या है बाहर की ओर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ लिए थे, है ना। अब देखते हैं गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह। पहले तो हमने कल पूरा नियम देख लिया था पिछले लेक्चर में, है ना, कि क्या होते कितने अलग अलग टाइप से क्या होते हैं प्रतिबिंब बनते हैं ना। तो इसी प्रतिबिंब के आधार पर क्या है हम पहले देख रहे चिन्ह परिपाटियां क्या होती है, ठीक। चलो अवतल दर्पण ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है कोई वस्तु रखी है, ठीक है। अब क्या है ये वस्तु की किरणें इधर से आएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी आपतित। अब ये क्या यहां से टकरा के जाएगी, ये क्या हो गई हमारी परावर्तित, ठीक है। ये हुई आपतित, ये हुई परावर्तित, ठीक। अब देखना आपतित किरण की दिशा में कोई भी चीज आएगी, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो क्या होगी धनात्मक, राइट से लेफ्ट आए इधर आए तो वो क्या हो जाएगी हमारी ऋणात्मक, ठीक। अगर कोई ऊपर है तो ये क्या होगी हमारी धनात्मक, और चीजें अगर नीचे हैं तो ये क्या होगी ऋणात्मक, ठीक है। वस्तु क्या है हम सीधा हमेशा ऐसे रखते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक, ठीक है। वस्तु यहां से P से हम क्या करेंगे मेजर करेंगे, ये हमारा F, ये हमारा C, ठीक है। तो ये क्या है P से हम किधर आ रहे हैं लेफ्ट आ रहे हैं, तो ये क्या होगा वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब इधर बना तो ये क्या होगा P से राइट साइड में है तो क्या होगा धनात्मक, और वहीं प्रतिबिंब यहां बन गया तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। चलो फिर से देखो ये क्या होता है हमारा चतुर, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। इधर जाने पे प्लस, इधर जाने पे माइनस, ऊपर पे प्लस वाई, नीचे पे माइनस वाई, ये होता है, ठीक है। यहीं पे इसको भी देख लेते हैं, ये हमारा क्या हुआ मिरर हुआ, ये लाइन गई, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु किरण इधर से आ रही है, ऐसे आती है ना। तो इधर से आ रही है मतलब क्या होगा धनात्मक। अगर हम इस लाइन से P से इधर जाए तो दूरी क्या होगी धनात्मक, P से पीछे हटे तो दूरी क्या हो जाएगी ऋणात्मक, और ये मुख्य अक्ष से जब वस्तु ऊपर रखी होगी तो उसका मान क्या होगा धनात्मक, नीचे रखी होगी तो उसका मान क्या होगा ऋणात्मक, ठीक है। तो आपको यही चीजें परिपाटियां समझनी है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। चलो एक बार इसको और अच्छे से देख लेते हैं, ठीक। ये
ये क्या है हमारा अवतल, अवतल का एफ इधर होगा सी इधर होगा, ठीक है। तो बताइए अवतल की फोकस क्या है, पी से लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा फोकस, ऋणात्मक, आर ऋणात्मक, ठीक है। वही उत्तल में आ जाओ भाई, यहां पे क्या है पी, अब पी के राइट साइड में, तो यहां पे एफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव और आर भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको पूछा जाए फोकस, फोकस त्रिज्या किसकी धनात्मक होती है तो उत्तल की, फोकस त्रिज्या किसकी ऋणात्मक होती है तो अवतल की, ठीक है, ये चीजें समझ गई। चलिए अब हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी बोले तो एफ और आर में क्या बताना है हमको, रिलेशन बताना है, ठीक है। चलो एक अवतल दर्पण ले लेते हैं भाई हम लोग, ठीक, चित्र बना लिए अवतल दर्पण, ठीक, ये ले लिए एक्सिस, ठीक, परावर्तन के बाद किससे जाती है भाई, ये फोकस से होकर जाती है ना, ये हमारा हो गया सी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे एक अभिलंब बना देते हैं, ठीक, ठीक अभिलंब हो गया। अब ये क्या हो गया भैया अभिलंब, ये क्या हो गई हमारा एंगल आई और ये क्या हो गया एंगल आर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये किरण आई है और यहां से टकरा के क्या हो रही है परावर्तित हो रही है ना, तो क्या इस एंगल पे आई और यहां से निकली, तो इसके बीच अगर हम 90 डिग्री बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा एंगल आई और ये क्या हो गया एंगल आर, ठीक। तो ये क्या हो गए दोनों सेम हो गए, परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होंगे, ठीक। अब इसको ले लेते हैं हम ए बी सी एफ और पी, ठीक है, चलो भाई इसको हटा देते हैं। अब देखो क्या हुआ, एंगल कौन कौन सा सेम है भाई, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, क्यों, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कैसे, परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियम से एंगल आई इज इक्वल टू क्या है एंगल आर, ठीक। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये कौन सी लाइन है ए बी, ये कौन सी लाइन है, ये ए बी की एक लाइन हो गई, ये क्या हो गई सी पी की लाइन, इस पे एक रेखा ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हुए समांतर रेखा, समांतर लाइन है और ये क्या हो गई उस पे कटान, तो क्या होगा भाई ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गए समान हो जाएंगे, क्यों, एकांतर कोण के मान से, ठीक है, क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके सी पी के, अतः एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एंगल बी सी एफ, ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि यहां पे आप लिख दो एकांतर कोण, तो क्या हो जाएगा भाई ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ठीक। अब देखो अतः त्रिभुज, अब त्रिभुज बन रहा है ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक, जिसमें ये भी क्या हो गई एंगल आई आर सेम हो गए, ठीक, अतः त्रिभुज बी सी एफ में
क्या हो गई भाई? एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ हो गए समीकरण एक व समीकरण दो से। एक व दो से ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर हो जाएंगी। हमने क्या बोला, बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ ठीक है। तो अब बताओ यहां पे फिर से डायग्राम बना लो भाई, तो क्या होगा, अगर अगर एंगल सेम है तो उसकी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं भी समान होती है। तो एंगल सी के सामने की भुजा क्या हो गई भाई, बी एफ। एंगल बी के सामने की भुजा हो गई सी एफ ठीक है। इसको समीकरण तीन नाम दे दो। यदि जो बी और पी बहुत पास होंगे, यदि इसका द्वारक बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, बी और पी पास होंगे, तब क्या कंडीशन में क्या हो जाएगा, यदि बी पी ध्रुव के समीप हो तब क्या हो जाएगा भाई, एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ पी। ठीक, अब इसी को समीकरण तीन में रख दो तो क्या हो जाएगा, एफ पी इज इक्वल टू सी एफ। अतः सी पी बराबर क्या होगा, सी एफ प्लस एफ पी। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है भाई, हमारी वक्रता त्रिज्या आर, और सी एफ इज इक्वल टू हमने क्या बोला, एफ। तो यहां पे क्या रख दे भाई हम लोग, एफ पी प्लस एफ पी, और एफ पी एफ पी क्या है भाई, एफ फोकस फोकस ठीक। तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू टू एफ, या कहे तो F इज इक्वल टू आर बाई टू। तो क्या संबंध होता है भाई, फोकस जो हमारा मुख्य फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ठीक है। आपको पूछा जाए तो संबंध बताइए, तो आप अगर दो मार्क्स में आता है तो आप क्या बताएंगे, चित्र बनाएंगे और लिख के बताएंगे कि जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या, सॉरी हमारा जो मुख्य फोकस दूरी है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ठीक। और आपको अगर क्वेश्चन आता है तो इसको पूरा इस तरीके से क्या है, आपको सॉल्व करके दिखाना होगा ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है भैया, पहले तो अपन लोग डायग्राम से पहले समझ लीजिए हम अलग अलग परिपाटी में क्या क्या लेते हैं। यहाँ पे कोई वस्तु है तो वस्तु की हाइट को हम क्या दे दिए, h ठीक। वस्तु की दूरी u, यहां पे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो इसकी दूरी v, इसका हाइट i या h ठीक है। फोकस यहां पे होता है मुख्य फोकस, तो फोकस दूरी क्या होती है f। c जहां पर है तो c p क्या होते हैं, रेडियस r ठीक है, ये होता है। तो दर्पण सूत्र क्या कहलाता है, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू, इतना ही आपका क्या है, दर्पण सूत्र। इट मीन्स ये फोकस, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के मध्य क्या बताता है, संबंध। वी यहां पे क्या है भाई, प्रतिबिंब की दूरी कहां से, दर्पण से, कहां से लेते हैं हम लोग, पी से ठीक। यू क्या है भाई, वस्तु की दूरी दर्पण से मतलब पी से। एफ क्या है, फोकस फोकस दूरी। अच्छा, अवतल दर्पण में हम लोग हमेशा क्या देखे थे, जो इमेज था वो कैसे बनता था, लेफ्ट साइड ही बनता था है ना,
और अभी वस्तु क्या है, लेफ्ट साइड ही है, आपतित किरण इधर है, तो ये क्या होगा, इसकी जो व्यू है, यू क्या रहे, कैसे रहेगा हमारा, निगेटिव। अभी देखो प्रतिबिंब भी कैसे बन रहा है, इसी साइड बन रहा है, तो वी भी क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव। और अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो फोकस भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, निगेटिव। ठीक, समझ आया। तो बताइए गोली दर्पण में ध्रुव से वस्तु की दूरी कैसी होती है, निगेटिव, जिसको हम लोग क्या लेते हैं, यू। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वी। अगर ये क्या है, आभासी है, आभासी मतलब उस साइड बनती है, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर वास्तविक है तो आप क्या कहेंगे, निगेटिव। या अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने पे V का मान निगेटिव आता है तो आप क्या बोलेंगे, ये वास्तविक इमेज है। अगर पॉजिटिव आता है तो आप क्या कहेंगे, ये आभासी इमेज है। ठीक है, फोकस दूरी F निगेटिव किसके लिए होता है, अवतल के लिए। पॉजिटिव किसके लिए होगा, उत्तल के लिए। वक्रता त्रिज्या R, सेम यही होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, गोली दर्पण से ध्रुव से वस्तु की दूरी निगेटिव, यू हम इधर ही लेंगे। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वी होती है, जिसमें अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या होगा, आभासी है, निगेटिव आ रहा है मतलब क्या है, वास्तविक है। ठीक है, एफ क्या होता है, हमेशा अवतल दर्पण के लिए निगेटिव होगा, उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। जब ये चीजें ध्यान रखोगे तभी जाके क्या होगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं अवतल दर्पण के लिए। यू और एफ क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का मान ऋणात्मक होता है, आभासी प्रतिबिंब का मान धनात्मक होता है। यही चीजें मैंने बताई है और आपको यही चीजें क्या है, याद रखनी है। ठीक, वन मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, एमसीक्यू में। ठीक है, चलो अब आवर्धन पे आ जाते हैं। ठीक है, गोली दर्पण आवर्धन क्या होता है भाई, जैसे हमने क्या था, देखो ये बनाया था, ये क्या है हमारा एफ, ये हमारा सी, ये क्या है पी। ठीक है, चलो सी पे रखे, पहला लाई किससे गई, एफ से गई, एफ से आएगी सीधा जाएगी, कहाँ पे बन रहा है भाई, सी पे ही है ना। लेकिन सेम क्या है, वस्तु का आकार बराबर किसके है, प्रतिबिंब के आकार के। वस्तु का आकार, हम वस्तु का साइज ले लेते h, तो इसको क्या ले लेते हैं, h, इट मीन्स h इज इक्वल टू h1। ठीक है, तो यही है वस्तु का आकार और क्या है उसके प्रतिबिंब का आकार, इसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन। ठीक है, गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु के कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि h वस्तु की ऊंचाई हो और i प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो आवर्धन m इज इक्वल टू h अपॉन i, ये आपका फॉर्मूला होगा। या i को ही हम क्या लिख दें, h। ठीक है, ये क्या होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये क्या हो जाएगा हमारा वस्तु की ऊंचाई। इसी को अन्य फॉर्म में और क्या लिखते हैं, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अगर आपको आवर्धन निकालने दिया जाए और वस्तु की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट नहीं बताई है, लेकिन आपको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पता है, तो भी आप क्या है, आवर्धन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आवर्धन प्लस है तो मतलब क्या होगा, वस्तु उससे बड़ा बन रहा है। अगर आवर्धन का मान एक से ज्यादा है, यदि आवर्धन का मान एक से ज्यादा है मतलब क्या है, वस्तु सॉरी प्रतिबिंब क्या है, बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, लेकिन अगर m का मान एक से छोटा है तो क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा। और m इज इक्वल टू वन है तो मतलब क्या होगा, वस्तु और प्रतिबिंब समान होंगे। ठीक, सिंपल सी बात है, अगर आपको दे दिया जाए कि m का मान एक है, उससे क्या संबंध पता चलता है, तो पता चलता है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 15 सेंटीमीटर फोकस वाले गोली दर्पण उत्तल दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन जब भी आए पहले तो अंडरलाइन कर लेना कि क्या क्या चीजें दी है। अब दिया क्या है, पहला तो भाई उत्तल दर्पण, तो पहले क्या सबसे पहले आप क्या करो, डायग्राम बना लो। क्या दिया है,
उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण का फोकस इधर होगा, फोकस कितने दिए भाई 15, ये होगा हमारा सी, ठीक है। अब हम वस्तु किधर रहेगी, लेफ्ट, कितने दूरी पर है भाई 10 सेंटीमीटर, ठीक, तो दिया है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी F क्या होती है, धनात्मक होगी ऋणात्मक होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, तो क्या लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी दर्पण से कितनी U, 10 सेंटीमीटर, लेकिन क्या है वो लेफ्ट साइड है, इसलिए हम क्या लिखेंगे माइनस 11। क्या करना है भाई आपको, वस्तु की स्थिति, प्रकृति, आकार, सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार, ठीक है। अतः दर्पण सूत्र से पहले तो मान लेते हैं 1/F = 1/V + 1/U, ठीक है, मान रखो भाई 1/F मतलब 1/15, V ज्ञात करना है प्लस माइनस 1/10, क्योंकि हमने क्या है 10 क्या है सेंटी माइनस में है, क्योंकि ये क्या है लेफ्ट साइड में, ठीक। चलो आ जाओ भाई इधर 1/F 15 1/V, ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस, ठीक, यहाँ पे क्या था प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ब्रैकेट ओपन किए, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, वन अपॉन वी, एलसीएम निकाले 30 आया, 15 दूनी 30, 10 दहा 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 30/5, तो V के मान क्या आया 6 सेंटीमीटर। अतः वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, और ये कैसा आया पॉजिटिव, तो उत्तल दर्पण में अगर V पॉजिटिव आ रहा तो कैसा बना भाई ये आभासी, तो वस्तु की प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो गई आभासी। अब निकाल लेते हैं प्रतिबिंब का आकार, तो M क्या होता है -V/U, माइनस V बोले तो हम लोग क्या दिया है भाई V आया 6, V U क्या है 10, माइनस माइनस कट गया 6/10 बराबर मतलब 0.6, ठीक है सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या है ये एक से छोटा है, इट मीन्स क्या बता रहा है कि बस जो प्रतिबिंब है वो क्या है छोटा बन रहा है, ठीक है। तो अतः वस्तु की प्रकृति क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई, आभासी, वस्तु से छोटा, ठीक। आपको इतना पूरा क्या है सॉल्व करना है, ठीक है। आपको दिया है बताना है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी F = 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी U = -10 सेंटीमीटर, फिर यह डायग्राम बनाना है, ज्ञात क्या करना है स्थिति, प्रकृति और आकार, ठीक। दर्पण सूत्र से क्या आप दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/F = 1/V + 1/U, जिसमें आप मान रखेंगे V, U का मान हमें माइनस क्यों रखा, क्योंकि ये क्या है लेफ्ट साइड है, ठीक। सॉल्व करेंगे V का मान 6 सेंटीमीटर आ रहा है प्लस में, इट मींस क्या है ये इस साइड बन रहा है, ठीक। तो क्या बोलेंगे दर्पण से दूरी 6 सेंटीमीटर है और धनात्मक है, इसलिए क्या है ये आभासी प्रतिबिंब होगा।
अब एम क्या है? आवर्धन। आवर्धन से क्या दिख बताएंगे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है या बड़ा है। तो क्या है, एम का मान क्या आया? 0.6, मतलब क्या है, एक से कम आ रहा है, इसलिए क्या है, वस्तु प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी है और वस्तु से छोटी है। ठीक, इतना आपको पूरा आंसर लिखना होगा अंत में, तब कहीं जाके क्या होगा आपको आंसर, आपको पूरा क्या है उत्तर मिल, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे बताना भी है प्रतिबिंब की दूरी कितनी है भाई, अंत में प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से 6 सेंटीमीटर है। ठीक, इतनी आंसर लिखोगे तब जाके मिलेगा, ऐसे नहीं कि छोड़ दिए कहीं पे भी, आपको पूरा दिया है लिखना है, दर्पण सूत्र लगाना है, यहाँ पे इसको हाईलाइट करना है, उसके बाद पूरा सॉल्व करते लास्ट में इतने आंसर लिखने होंगे, तभी जाके क्या है पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक, तो बच्चों ये हमारा पूरा एक चैप्टर क्या था, हमने परावर्तन से खत्म किया, मतलब गोली दर्पण से परावर्तन, अभी गोली दर्पण से अपवर्तन क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक क्या परावर्तन खत्म हो गया, अब अपवर्तन देखेंगे, फिर क्या उसके बाद पूरे चैप्टर का क्या है फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे भाग में पढ़ते जाइए, तभी क्या होगा ये चैप्टर आसानी से होगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन क्या चीज़ों को जब प्रैक्टिस करते चलोगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक, तो बच्चों हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक क्या इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।